हेलो एवरीवन, आज जो लेटेस्ट अपडेट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए IRCC की तरफ से, हाई कमीशन ऑफ कनाडा की तरफ से। जो ये लेटेस्ट अपडेट है वो जेन इनटेक के लिए है, जो विंटर इनटेक जिसको बोला जाता है आने वाला है, तो उसके लिए है। उन्होंने बोला है कि फॉर स्टडी परमिट एप्लीकेशन सबमिटेड एज ऑफ नवंबर 2021, IRCC कांट गारंटी दैट यू विल रिसीव अ फाइनल डिसीजन ऑन योर एप्लीकेशन बिफोर द January 2022 सेमेस्टर बिगिंस। प्लीज़ प्लान अकॉर्डिंगली विद योर डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन TLI। सो इसमें जो IRCC है वो ये आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि जो स्टडी परमिट एप्लीकेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने नवंबर में सबमिट की है, तो IRCC उनको गारंटी नहीं दे रहा कि वो अगर जेन इनटेक के लिए है तो वो उससे पहले उनको फाइनल डिसीजन रिसीव हो जाएगा या फिर उनको वीज़ा मिल जाएगा। सो आप उसी अकॉर्डिंग अपना जो प्लानिंग है वो रखें। सो ये जो लेटेस्ट अपडेट है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है। सो आप अगर जेन इनटेक मतलब मींस विंटर इनटेक के लिए है और आपने नवंबर में सबमिट किया, अगर पहले सबमिट किया तो हो सकता है आपको रिजल्ट मिल सकता है, बट उन्होंने गारंटी ये दी है कि सिर्फ नवंबर इनटेक वाले जो होंगे, नवंबर दिसंबर इन इनटेक वालों के जो फाइनल डिसीजन है वो जेन से पहले रिसीव होना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ COVID-19। साथ में उन्होंने COVID-19 हैज़ इम्पैक्टेड लिखा है कि COVID-19 ने इम्पैक्ट किया इमिग्रेशन प्रोसेसिंग टाइम्स को, तो इसकी वजह से जो ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हैं फाइल्स उसके उस पर भी अफेक्ट हो रहा है, स्पाउसेस के केसेस पे भी अफेक्ट हो रहा है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो फाइल्स हैं उन पर भी अफेक्ट हो रहा है। सो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाइल ऑलरेडी सबमिट की हुई है तो वो होप कर सकते हैं कि शायद उनका रिजल्ट जो है दिसंबर में आ सकता है या जन के स्टार्टिंग में आ सकता है, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि उनको फाइनली रिजल्ट जन से पहले रिसीव हो जाएगा और वो अपनी क्लासेस जो कनाडा में लैंड कर सकेंगे या फिर अपनी क्लासेस इंडिया में या फिर अपना जन इनटेक किसी भी ऑप्शन से, कोई ऑप्शन हो तो वो स्टार्ट कर सकें। सो ऐसा कोई उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कहा है कि वो कोई गारंटी नहीं ले रहे। सो गाइस, ये लेटेस्ट अपडेट है, कुछ ही घंटों पहले अपलोड की गई है। सो ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, एंड बी पॉजिटिव, टेक केयर।